मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी यहाँ पर जो है वो ज्यादातर यहाँ पर आकर या तो बाथरूम साफ करते हैं या वो इलीगल तरह से जो है वो काम कर रहे होते हैं। पाकिस्तानी कल्चर में ये चीज जो आपने माथे पे लगाई है, ये पाकिस्तानी कल्चर में नहीं, आई थिंक सो इंडियन कल्चर में है। तो इसको किस तरह से, मतलब तो क्या आपने पाकिस्तान को छोड़ा है, परमानेंटली छोड़ा है? क्या आपने सिर्फ हिस्ट्री की बुनियाद पर पाकिस्तान को छोड़ा है? इंडिया तो चंद्रयान लॉन्च कर रहे हैं, मार्स वो चांद पे भेज रहे अपने रॉकेट, हमारे पास तो एटम बम है। मैं आपको आज बात बता दूं, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर अब नहीं है। आपको पता है एयरपोर्ट तो ऑलरेडी उन्होंने गिरवी लिखवा दिया है, जो एटॉमिक पावर थी पाकिस्तान की वो भी इन्होंने पिछले 2 साल के अंदर जितना कर्ज लिया है पाकिस्तान ने वो भी गिरवी रखवा चुका है। जो आज भी शयान ने पीछे अपना भारत का झंडा लगाया है, जबकि पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी नेशनैलिटी है, फिर भी भारत का झंडा है। तो इन्होंने तिरंगा लहराया था US में और ये बोला था पाकिस्तान इज नॉट इवन अ कंट्री। पाकिस्तानी होने के बावजूद ये स्टेटमेंट देना और भारत का तिरंगा लहराना एक बहुत बड़ी बात है। तो इसके पीछे की क्या कहानी है कि आपने पाकिस्तान के बारे में ये स्टेटमेंट दी है और आप भारत से जुड़ गए हैं? क्या आज भी शयान ने पीछे अपना भारत का झंडा लगाया है, जबकि पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी नेशनैलिटी है, फिर भी भारत का झंडा है? तो इसके पीछे से सारी कहानी सुनते हैं शयान से। शयान आपके साथ हुआ क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया और अपना कीमती वक्त हमारे साथ शेयर किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड हरे कृष्ण एवरीवन। सो आई थिंक जो लोग मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं उनको ये बात पता है कि किस तरह से आई थिंक मैं अगर आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो आई फील वेरी लकी फॉर माई सेल्फ, क्योंकि आई फील वेरी लकी बिकॉज मुझे ये चीज़ बहुत ही अर्ली एज में समझ आ गई ये चीज़, और जो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी थी विद लॉर्ड कृष्णा और वो भी उसी वक्त स्टार्ट हुई। बट जो आपने सवाल किया कि मैं, आपने कहा कि पाकिस्तान को मैं कंट्री क्यों नहीं समझता, तो उसका रीज़न देखिए मैंने ना बहुत बार बोला है कि पाकिस्तान को अगर कोई हिस्ट्री पढ़ेगा ना कोई नॉर्मल इंसान, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो हर चीज़ पढ़कर भी वो आंखें बंद कर लेते अपनी, जो पाकिस्तान के स्कूलों में पढ़ाया जाता है ना उसकी बात नहीं कर रहा, अगर कोई स्कूलों से निकल कर कोई इंडिपेंडेंट जगह गूगल से इन जगहों से देखे तो उसको ये बात पता होगी कि पाकिस्तान कंट्री नहीं हो सकता। आप कोई भी कंट्री उठाकर देख लें, पाकिस्तान बोलते हैं हम एक कंट्री जो मजहब के नाम पर बने, भाई कोई और कंट्री मजहब के नाम पर इसलिए नहीं बना क्योंकि उनको यूनिटी में रहना आता था, तुम ही सिर्फ एक अनोखे हो इस वजह से। और ये बोलते हैं कि जी हम मजहब के नाम पर बने हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, तुमने पूरा कल्चर जो है वो इंडिया से उठाया, फिर अपना बोल दिया कि जी हमारा एक नया कंट्री है। जब आपको अपना एक नया कंट्री बनाना था तो आप जी अपनी लैंग्वेज अपनी लाते, अपना जो है आप अपने अपने जो है वो कपड़े लाते, हर चीज अपनी लाते, लेकिन आपने पूरा कल्चर उठाकर जो है वो इंडिया से डाल दिया। जब मैंने ये बात बोली फिर मुझे बहुत क्रिटिसिज्म मिला पाकिस्तान से, और ये चीज क्योंकि देखें जब जिनको पता है जो म्यूजिक वीडियो थी एक पाकिस्तान में कश्मीर हूं मैं के नाम से जो मैंने मना की थी, जिसके बाद से ये पूरा जो है वो इतनी सब चीजें स्टार्ट हुई। तो देखें मैं उस वक्त भी उस तरह का इंसान था कि मैं जब देखता था कि कोई चीज गलत हो रही है तो मैं उस पर चुप नहीं बैठ सकता था। जब मुझे ऑफर हुई थी तो मैंने जब मुझे ऑफर की थी पाकिस्तान आईएसआई के मोहम्मद रमीज उनका नाम था, मैं पहले भी बता चुका हूँ, उन्होंने जब मैंने उनसे बात बोली थी कि देखें अगर कश्मीर में एक्चुअली चीज हो रहा है जो आप एज एन एक्टर मुझसे पोर्ट्रे करवाना चाह रहे हैं, अगर वो चीज एक्चुअली हो रही है तो आप कश्मीर के एक्चुअल लोगों को ले, आप मुझे क्यों ले रहे हैं उसके अंदर। सो उसके बाद से उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं आया, और फिर उन्होंने जो है मेरे ऊपर अलग अलग तरह की FIR कटवा दी कि जी शयान तो रॉ एजेंट है, शयान ने कश्मीर पर वो करने के लिए मना कर दिया। फिर 2-3 महीने बाद एक किसी नए इंसान ने कोई नई FIR कटवा दी कि जी शयान की तो ब्लॉन्ड हेयर है तो ये तो कोई जियो एजेंट होगा। तो इस तरह की ये लोग फजूल बातें कर कर बस इन्होंने ये करा मेरे साथ। बताइएगा कि इंडिया की कौन सी चीजों ने आपको इतना इंस्पायर किया कि आपने पाकिस्तान के लिए ऐसा और इंडिया के लिए ऐसा बोला, और इंडिया की कौन सी ऐसी क्वालिटीज जो को आपको पाकिस्तान से बिल्कुल डिफरेंट लगती हैं, या फिर कौन सी ऐसी चीजें जो आपको बहुत इंस्पायर करती हैं, या फिर प्राइम मिनिस्टर्स की बात करें तो क्या आपकी राय है? आपकी मैंने ट्वीट्स भी देखी है शायद, आपकी मैंने बहुत सी ट्वीट्स भी पढ़ी है, देखी भी है आपकी, बहुत पता है आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को मुझे लगता है कि आप अपना आइडियल समझते हैं, तो उसकी क्या वजह है? देखिए लोग मुझे कहते हैं मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक इंडिया में एक हिंदी में एक वर्ड यूज किया जाता है मेरे अगेंस्ट, काफी इंडिया से मुझे ट्रॉलिंग की जाती है बोलकर कि मैं मोदी का जो अंधभक्त हूं, इसका मतलब होता है कि मैं मोदी को जो है फजूल में सपोर्ट करता हूं, इस पर मुझे ये बोला जाता है, लेकिन ऐसी कोई रीजन नहीं है उसका। मैं आपको बताऊं कि देखिए पाकिस्तान एक इल्जाम लगाते हैं मोदी पर कि मोदी हिटलर है, हिटलर जैसे वर्ड्स के यूज करता है, गुजरात का कसाई, इस तरह के वर्ड यूज करते हैं, पाकिस्तान को जरा सी शर्म नहीं आती। मोदी चाहे 2 मिनट के अंदर कश्मीर ले सकता है वो,
मोदी सिर्फ इसलिए नहीं करता इंसानियत की खातिर, सिर्फ इंसानियत की खातिर मोदी ये नहीं करता कि यार अगर मैं कोई ऐसा एक्शन लेता हूँ तो पाकिस्तान के कश्मीरियों को नुकसान पहुंचेगा, सिर्फ ये सोचकर मोदी जो है वो चुप रहता है। वरना मोदी और इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, 5 मिनट के अंदर ये जितने भी जो बैठे हुए होते हैं ना पाकिस्तान पी और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो बैठ कर बोले होते हैं कश्मीर हमारा है, ये 5 मिनट लगेंगे सब भाग जाएंगे अगर इंडियन आर्मी एंटर हो गई यहाँ पर। जब हमारे पास भी तो एटमी ताकत है, इसके सर पे हम इतना ज्यादा खुद को मजबूत समझते हैं तो एटमी ताकत, मैं आपको बता दूं बिल्कुल पाकिस्तान के पास एटमी ताकत नहीं है। जो बैठ के बोलते हैं ना अभी चंद्रयान लॉन्च हो रहे हैं, वो बोल रहे चलो इंडिया तो चंद्रयान लॉन्च कर रहे हैं मार्ट वो चांद पे भेज रहे अपने रॉकेट, हमारे पास तो एटम बम है। मैं आपको आज बात बता दूं पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर अब नहीं है। आपको पता है एयरपोर्ट तो ऑलरेडी उन्होंने गिरवी लिखवा दिया है, जो एटॉमिक पावर थी पाकिस्तान की वो भी इन्होंने पिछले 2 साल के अंदर जितना कर्ज लिया है पाकिस्तान ने वो भी गिरवी रखवा चुका है। ये जो बोलते हैं ना हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, ये है हमारी पहली इस्लामिक कंट्री, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, अब कुछ नहीं है पाकिस्तान के पास ये चीज़ें, ये सिर्फ पाकिस्तान आर्मी ये चीज छुपा रही है पिछले 2 सालों से लोगों से छुपा रही है। क्योंकि अगर पाकिस्तान आर्मी ने ये ओपनली आकर बोल दिया पब्लिक के सामने कि हमें न्यूक्लियर पावर नहीं है तो इनके घरों में घुस के मारेगी पाकिस्तानी पब्लिक इनके आर्मी और आईएसआई वालों को। आपने बोला कि कोई भी अगर हिस्ट्री पढ़ेगा सही हिस्ट्री पढ़ेगा तो उसको सच पता लग जाएगा, तो क्या आपने पाकिस्तान को छोड़ा है, परमानेंटली छोड़ा है? क्या आपने सिर्फ हिस्ट्री की बुनियाद पर पाकिस्तान को छोड़ा है, या आपके साथ यहाँ पर कोई हादसा हुआ है, या आपने कुछ यहाँ पर फील किया है, कुछ थ्रेट्स मिले आपको? देखिए लोगों को पता है जो हुआ था मेरे साथ, मुझे एज अ पब्लिक फिगर आपको पता होगा एज अ इन्फ्लुएंसर आप अपने सोशल मीडिया को बंद नहीं कर सकते, लेकिन 2018 में जब मेरे ऊपर सिंध रेंजर्स कराची में जब मुझे अरेस्ट करने आई थी तो उन्होंने मुझे 2 ऑप्शन दिए थे। उन्होंने कहा था या तो आप हमारे साथ चले, आपके ऊपर हम केसेस करेंगे ये सब करेंगे, और फिर अगर आप अदालत से बरी हो गए तो अलग बात है, और दूसरा ऑप्शन उन्होंने दिया था कि आप फेसबुक ट्विटर व्टर सब बंद करके आप पब्लिक आई से चले जाएं। जब मैंने ये पाकिस्तान आर्मी को एक्सपोज कर दिया था 2018 में कि उन्होंने मुझे म्यूजिक वीडियो का ये जो भी हुआ था, उसके बाद से उन्होंने मुझे 2 ऑप्शन दिए। मैंने जो है वो, क्योंकि ऑफकोर्स मैं इतना नहीं बोलता कि मैं बहुत बहादुर हूँ, मतलब हूँ मैं उस वक्त ऑफकोर्स बहुत डर गया था, क्योंकि आप देखते हैं कि 4 सिंध रेंजर्स की गाड़ियाँ आपके घर के सामने खड़ी हुई हैं, आपको अरेस्ट करने आई हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलने पर, तो ऑफकोर्स मैंने कहा कि ठीक है मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ, और उसके बाद से ये चीज़ नहीं हुई। लेकिन मैंने उस वक्त अपने आप से एक वादा कर लिया था कि जब मैं पाकिस्तान छोड़ूंगा उसके मैं आई थिंक कोई 11 महीने बाद, अक्टूबर 2018 में हुआ था ये, और सितंबर 2019 में मैं अमेरिका आया, तो मैंने उसी वक्त वादा कर लिया था अपने आप से कि जब मैं पाकिस्तान से निकलूंगा तो मैं इनकी जो काली करतूतें हैं ये पूरी दुनिया के सामने शो करूंगा, और मैंने वही करा। और फिर जब इनको पता चला, जब इन सितंबर 2019 में मैं आ गया वापस, दे अगेन ट्राइड इन दिसंबर 2019, उन्होंने फिर से ट्राई किया दिसंबर 2019 में, वो मेरे घर आ गए अरेस्ट कर लेना मुझे, जब उन्होंने देखा कि वापस से शयान जो है बड़े एक्टिव हो गए और ये सब कर रहे हैं, जिसके बाद से उनको ऑफकोर्स क्योंकि मैं अमेरिका आ चुका था वो नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने करा ये कि मेरे रिश्तेदारों को इन्होंने धमकियां दी कराची के अंदर, उनके घर के अंदर रेड्स करी, मुझे ढूंढा, हालांकि इनको पता था कि मैं पाकिस्तान से जा चुका, लेकिन मुझे रीजन समझ नहीं आया कि इन्होंने क्यों मेरे रिश्तेदारों के घर रेड्स करी हो सकती। उसके बाद इन्होंने तकरीबन 6-7 महीने मुझे बहुत जो है वो थ्रेट, इवन अमेरिका में था वहां पर ही मुझे प्राइवेट नंबर से थ्रेट्स की कॉल करते थे, फिर कोई और दूसरा बंदा आता था इनका, वो मुझे पैसों की ऑफर करता था कि ये पैसे कर आप नहीं बोले इस बारे में, लेकिन मैंने इन बातों को नहीं माना। फिर जो है इन लोगों ने बहुत कोशिश करी, लेकिन मैंने जो है इस बात को और खैर अभी भी ये लोग करते हैं, लेकिन इनको पता है कि शयान जो है वो अब इनसे बिल्कुल भी नहीं डरता, तो ये थोड़े से इनको ये बात पता चल चुकी है कि मैं इनके हाथ में नहीं आ सकता। बिल्कुल शयान, जिस तरह की आपकी बातें हिस्ट्री और आपकी स्टोरी है, आपका एक्सपीरियंस है, तो मुझे बताइएगा आपकी इस टाइम करंट एज क्या है? देखिए मैंने पहले ही कहा था ना, मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि मैंने बहुत जल्दी, क्योंकि आई एम 19 years old ना, मैं अपने आप को बहुत इस चीज़ के अंदर लकी समझता हूँ कि मैंने बहुत जल्द एज के अंदर अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को और इस चीज़ को मैंने एक्सप्लोर किया, और मैंने इनके जो कार्य करते, क्योंकि देखिए जो भी हुआ आई थिंक वो मैं इस वक्त ही परेशान हो गया था, क्योंकि बहुत ही इट वॉज अ वेरी अर्ली, क्योंकि उस वक्त मेरा इवन इन पाकिस्तान मैं जो हूँ वो काफी अपना आई वॉज इन्फ्लुएंसर, और मैं ये चीज उस वक्त मेरा बिल्कुल स्टार्ट था कैरियर का ना, तो मैं ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान आर्मी और आई एस आई मेरे अगेंस्ट हो, तो आई थिंक दैट वॉज अ वेरी ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। आयान, यहाँ मेरा आपसे सवाल है कि जब आपको थ्रेट्स मिलना शुरू हुए, जब एक्शन लिया गया, तो उसके बाद आपने पाकिस्तान को लीव किया, उससे पहले तक आप पाकिस्तान में मौजूद थे, तो ऐसा तो नहीं है कहीं कि आपको जब थ्रेट्स मिले, जब आप पर एक्शन लिया गया, आपका जब चैनल डिलीट करवाया गया, तो आपने सोचा कि मेरा पाकिस्तान से बदला लिया जाए, या ये वाकई तारीख का कमाल था?
देखिए ये बात मुझे पहले से पता थी, मैं आपको बताऊं जो पाकिस्तानी न्यूज चैनल जो प्रोपोगेंडा कर रहे थे मोदी की। अच्छा मैं आपको बताऊं, मैं पहले एक बहुत एंटी इंडियन था, मैं आपको सच बात बताता हूँ, मैं बहुत एंटी इंडियन था। जो न्यूज चैनल हमें दिखाते थे, हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था कि जी इंडियंस तो मुसलमानों पर ये करता है, इंडियंस तो ऐसा होता है, क्रिकेट मैच होते तो इंडिया के अगेंस्ट क्या क्या गालियां निकाली जाती थी, पाकिस्तान इंडिया के मैच के दौरान इंडिया को क्या क्या गालियां दी जाती थी, इंडिया हिंदुइज्म को क्या क्या गालियां दी जाती थी वहां पर। तो आई थिंक मैं भी पहले इस तरह का बहुत था, लेकिन जब मैंने इस चीज को आई डोंट नो क्यों मेरे दिलो दिमाग में ये चीज आई कि मुझे इंडिपेंडेंट जगह से देखनी चाहिए, मुझे इस बारे में नहीं पता। लेकिन जब मैंने इस चीज को इंडिपेंडेंट जगह से देखा तो फिर मुझे इस बात का अंदाजा हुआ। और फिर जब मैंने आई थिंक वो जो मेरा सवाल था जो मैंने उनसे जो ISPR के थे मोहम्मद रमीज, जिसको मैंने बताया आपको, जो जिन्होंने मुझे म्यूजिक वीडियो की ऑफर की थी, आई थिंक वो सवाल भी आई थिंक जो मैंने करा वही सब कुछ प्रॉब्लम वो क्रिएट हुआ। और वो सवाल क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान था जो मैं खुलकर हर चीज करता था, चाहे कोई भी मेरे दिल में कोई बात होती थी तो मैं खुलकर वो करता था। लेकिन वो मेरी गलती ये थी कि मैंने ISI के ISPR के जो थे उनसे मैंने खुलकर बात कर ली, जिसकी वजह से उन्होंने मेरा हर चीज पाकिस्तान में रहना मुश्किल कर दिया, फिर अमेरिका आया, यहाँ पर थ्रेट की, तो हर चीज मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ। बिल्कुल सही। अच्छा शियान मुझे ये बताइएगा कि जैसे आपने पाकिस्तान को छोड़ दिया है तो आपकी क्या राय है कि आने वाले टाइम में US के अंदर रहना है, या जिस तरह से आप भारत को पसंद करते हैं आपका मूव ऑन करने का इरादा है, या कोई इस तरह का मतलब अपना मतलब होता है दिल के अंदर कोई फीलिंग्स होती है, क्या है? और एक बात मैं और आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने बोला कि आपको US में भी थ्रेट्स मिले, तो आपको US में किस तरह के थ्रेट्स मिले, क्या डिफिकल्टी आपने पेश की? हमने तो देखा है कि आप बहुत खुलकर बोलते हैं US में, हमने देखा है कि आप धड़ल्ले से तिरंगा लहराते हैं और बोलते भी हैं पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए स्टार्टिंग में जब आया था ना, अगर आपने ट्वीट देखे वो सब, मुझे प्राइवेट नंबर से कॉल आती थी। इस तरह से ये लोग VPN लगाकर जो है कॉले करते थे, VPN से थ्रेट्स भेजते थे, इस तरह से करते थे। फिर मेरे रिश्तेदारों से इन्होंने कोशिश करी कि शयान कहाँ रहता है अमेरिका में, वहां पे मेल भेजी मुझे थ्रू डार्क जिसको कहते हैं, वो भेजी अलग अलग तरह से इन्होंने जो है ये इस तरह से कोशिश करी। जहां तक आपने बात की मैं खुलकर तिरंगा, देखिए मैं ना पाकिस्तान में भी यही करता था, मैं पाकिस्तान में भी खुलकर इस बारे में बात करता था। तो अमेरिका में तो ऐसी बातें करूंगा, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं हमेशा से मैं इस तरह का था कि मैं कभी भी किसी चीज से डरता नहीं था। इन लोगों को लगता था कि जी बाकी इन्फ्लुएंसर्स की तरह जो है वो मेरा भी ये लोग सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे, लेकिन मेरा नहीं कर पाए लोग। हाँ बिल्कुल शियान, आपने उसका जवाब नहीं दिया, क्या इरादा है आपका, कि इंडिया मूव करना चाहते हो, US में रैपजी चाहते हो, या फिर कोई और इरादा है? देखिए फिलहाल मेरा बिल्कुल प्लान तो है इंडिया विजिट करने का, लेकिन ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेटल्ड इन अमेरिका, सो आई होप मेरे काफी मुझे हर वक्त लाइक लिटरली जब भी सुबह उठता हूं इतने इनविटेशन आए हुए होते हैं, बट देयर इज अ प्लेस इन इंडिया कॉल्ड वृंदावन बिकॉज आई हैव अ स्पिरिचुअल कनेक्शन विद लॉर्ड कृष्णा एंड एवरीथिंग, सो दैट्स व्हाई आई विल डेफिनेटली बी विजिटिंग वृंदावन, बट अभी मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है कि मैं इंडिया मूव हूं। बिल्कुल शियान, एक और क्वेश्चन है अगर आपको बुरा ना लगे पर्सनली, कि पाकिस्तानी कल्चर में ये चीज जो आपने माथे पे लगाई है ये पाकिस्तानी कल्चर में नहीं, आई थिंक सो इंडियन कल्चर में है, तो इसको किस तरह से मतलब बताओगे, रिप्रेजेंट करोगे हमारे व्यूअर्स को? देखिए मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान अपना कल्चर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता से पता नहीं कौन सा ये इंडिया से अलग होकर पाकिस्तान अपना थोड़ा सा अलग ही कल्चर बना रहा है। आप देखेंगे अगर आप ज्यादा नहीं 20-30 साल पुराना ही चले जाए तो हम देखते हैं कि जो हमारी जो माएँ थी वो साड़ियाँ पहनती थी इंडियन हर तरह से, तो ये कल्चर पाकिस्तान में भी जब स्टार्टिंग में था तो ये था। दूसरा ये कि मैंने आपको जैसे आपको पता होगा मैंने एक महीने पहले अपनी घर वापसी अनाउंस करी, सो ये घर वापसी तकरीबन 2 साल पहले जो थी ये स्टार्ट हो चुकी थी ना। उसका रीजन ये था कि बिकॉज आई वॉज जैसे मैंने बताया जिस तरह से मुझे थ्रेट्स मिलनी थी, तो ऑफकोर्स मैंने जैसे पहले ही कहा मैं कोई इतना बहादुर अपने आप को नहीं बोलता, सो ऑफ कोर्स मैं बहुत डर गया था और मैं काफी आई वाज इन डिप्रेशन इफ आई बी वेरी ऑनेस्ट। सो देन इन लाइक अराउंड 2 इयर्स अगो वन ऑफ माय फ्रेंड इंट्रोड्यूस मी टू इस्कॉन, जो हरे कृष्ण टेंपल होते हैं। पहले तो मैं ऐसे ही जाता था, देन आई स्टार्टेड फीलिंग माय स्पिरिचुअल कनेक्शन विद लॉर्ड कृष्ण। और जब मैंने अपनी सारी चीजें रिकॉल करी, और आपको पता होगा कि जब आई थिंक जो हमारे जो न्यू जो टीवी चैनल्स थे वहाँ पर भी हम देखते थे पोगो पर जो इंडियंस आते थे सारे कृष्णा कार्टून और वो सब आते थे, सो सिंस चाइल्डहुड आई वॉज लाइक वेरी मच इन टू दोज कार्टून। और फिर जब मैं इस्कॉन जाना स्टार्ट किया मैंने, देन आई रियल जब मैंने वो सब चीज़ें रिकॉल करी कि जब मेरे बचपन में किस तरह से जो है वो आई वॉज सो मच इन टू कृष्णा कार्टून एंड ऑल दीज थिंग्स, वहीं से फिर मेरा जो है मुझे बात जब रियलाइज हुई कि मेरा जो ये कनेक्शन था विद लॉर्ड कृष्णा एंड एवरीथिंग इट वॉज सिंस चाइल्डहुड, अभी से नहीं था। And then
दो साल पहले जो है मैंने इस्कॉन जो ज्वाइन करा एंड देन जस्ट वन एक बस एक महीने पहले ही मैंने जो अपनी घर वापसी अनाउंस करी। अच्छा शायान, यहाँ पर आपसे मेरा सवाल है, ये तो आपने अपनी लाइफ के बारे में बता दिया, जो जो आपके साथ हुआ वो सब आपने एक्सप्लेन किया हमें, बहुत बाखूबी बताया, लेकिन अब मेरा यहाँ पर जैसे कि मैंने रिसेंटली आपको बोला कि मैंने आपकी बहुत सी ट्वीट्स भी पढ़ी हैं, मैंने आपके बहुत से इंटरव्यूज भी देखे हैं, मैंने आपकी एक ट्वीट में पढ़ा था कि जब आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी को लाइव देखा था तो आपने एक चीज मेंशन की थी, एक लाइन लिखी थी कि आई वाज स्टक, मैं कुछ लम्हों के लिए जो है वो बस वहीं पर। तो मुझे ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस वक्त दुनिया के दौरे पर है, विजिट पर है, रिसेंटली फ्रांस में गए, रेड कार्पेट भी छाया, वहां का हाईएस्ट जो अवार्ड था प्राइम मिनिस्टर मोदी को किसी पहली दफा किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को मिला है, तो आपको भी मोदी का अंध भक्त बोला जाता है, हम देखते हैं आप भी बड़ी तारीफ करते हैं, तो मोदी में और वर्ल्ड लीडर्स में स्पेशली अगर हम अपने लीडर्स से कंपैरिजन करें तो आपकी नजर में क्या? देखिए मैं ना हमेशा एक बात बोलता हूँ दुनिया के ना, अगर मैं सिर्फ साउथ एशिया की बात करूँ ना तो मुझे सिर्फ दो लीडर बहुत अच्छे लगते हैं, एक नरेंद्र मोदी फ्रॉम इंडिया और एक पाकिस्तान से अल्ताफ हुसैन उसका, और अगर आप अमेरिका की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप उसका। मैं आपको रीजन बता दूँ, उसका रीजन ये है कि ये जो मैंने तीन लीडर्स का नाम लिया आपसे, अल्ताफ हुसैन, नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप, ये तीन लीडर्स ना बिल्कुल खुलकर इन्होंने बात करी जो भी एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट थे, इन्होंने खुलकर करी। इसी वजह से आप जो देखें नरेंद्र मोदी की रिस्पेक्ट है, मुझे काफी ट्रॉल किया गया था जब मैंने एक महीने पहले एक ट्वीट करा था कि मैं ये तो दुआ करता हूँ कि नरेंद्र मोदी अमेरिका के प्रेसिडेंट हो, मैंने क्योंकि हम देखते हैं कि जो बाइडेन जहां पर जाते हैं पूरी दुनिया में जो अमेरिका का मजाक उड़ता है ना, तो मैंने जो है ये ट्वीट करा था कि मैं तो विश करता हूँ कि जी मोदी जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हो, तो उस पर मुझे काफी हुआ। लेकिन ये बात हकीकत है, जिस तरह से रिस्पेक्ट मिलती है और हम देख रहे हैं, और मैं इवन मैं अमेरिका में रह रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि इंडिया जिस तरह से ग्रो कर रहा है, आई थिंक इतना तेजी से ग्रो अमेरिका या कोई और कंट्री भी इस वक्त नहीं कर रहा है मेरे ख्याल से, और उसका 100% क्रेडिट सिर्फ नरेंद्र मोदी को जाता है। उसका रीजन ये है कि इंडिया की जो भी ग्रोथ स्टार्ट हुई और जो सारे एक्सट्रीमिस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान जो मोदी से डरता है, उसका सिर्फ रीजन यही है कि वो खुलकर बोलता है और इन लोगों से वो डरता नहीं है, बिल्कुल यही रीजन है। बिल्कुल सही शायान। एक और क्वेश्चन है कि अगर हम यूएस की बात करें, इस टाइम आप यूएस के अंदर मौजूद हो, तो यूएस के अंदर बहुत हाई पोस्ट रैंक्स पे हमें इंडियंस नजर आते हैं और पाकिस्तानी भी हैं, बट उतना हाईएस्ट रैंक्स पे हम नहीं देखते, लेकिन पाकिस्तान और इंडियंस दोनों मौजूद हैं, तो आपकी नजर में या आपके एक्सपीरियंस बेस पे किनकी ज्यादा वैल्यू है, किनको ज्यादा तरजीह इम्पोर्टेंस दी जाती है और किनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है कंट्री बेस, पाकिस्तानी इंडियंस? देखिए मैं आपको ना ये बात बोलने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि कोई भी काम छोटा है बड़ा नहीं होता है, लेकिन ना मैं और मैं किसी का मजाक भी नहीं उड़ा रहा, लेकिन हम देखते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी यहाँ पर जो है वो या तो बाथरूम, मैं वापस वो कर रहा हूँ कि मैं कोई किसी की मैं इंसल्ट करने नहीं चाह रहा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी जो ज्यादातर यहाँ पर आकर या तो बाथरूम साफ करते हैं या वो इलीगल तरह से जो है वो काम कर रहे होते हैं ना यहाँ पर, इलीगल तरीके से आते हैं और ये करते हैं। लेकिन अगर हम इंडियंस को देखें, दे आर मेजॉरिटी इन टेक फील्ड, वो जो है टेक्नोलॉजी के अंदर है। उसका रीजन ना मैंने पहले भी निमरा को जब मैंने इंटरव्यू दिया था मैंने उसमें ही बताया था कि पाकिस्तान का जो स्टडीज है जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है और इंडिया के स्कूलों में पढ़ाया जाता है बहुत डिफरेंट होता है। पाकिस्तान में इंडिया से नफरत की चीजें पढ़ाई जाती है, इंडिया में पाकिस्तान से नफरत की चीज नहीं पढ़ाई जाती, इंडिया में पढ़ाया जाता है कि भाई पाकिस्तान को छोड़ो और आगे बढ़ो, अपनी आप देखो कि आप आगे कैसे वो कर सकते हो ग्रो, वो ये चीजें पढ़ाई जाती है। लेकिन पाकिस्तान में हम देखते हैं सिर्फ ये रीजन है कि देखिए दो कंट्री साथ आजाद हुए, पाकिस्तान जो है वो जिहाद और एक्सट्रीमिज्म और इंडिया से नफरत की तरफ चला गया और इंडिया ने ये सब चीजें छोड़कर वो पढ़ाई लिखाई और इन चीजों में वो आगे बढ़ते रहे। अच्छा शियान, पॉडकास्ट को खत्म करते हैं, बट खत्म करने से पहले मैं एक आपसे चीज कहूंगी कि अगर बीइंग अ पाकिस्तानी, क्योंकि आप पाकिस्तान में इतना अरसा रहे हो, तो पाकिस्तानी क्या इंडिया के साथ इतनी मोहब्बत, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इतने फेवर में बोलने और हर चीज को देखते हुए, क्या इंडिया के सिर्फ आपको कुछ चीजें इंस्पायर की हैं या फिर कुछ चीजें आपको आती भी हैं, लाइक उनके नेशनल एंथम की बात करें, जैसे आपने इंडिया का झंडा भी लगाया है इंडियन कल्चर के मुताबिक, अपने माथे पे टीका लगाया है, तो क्या नेशनल एंथम भी आता है या कोई चीज और भी आती है या नहीं? बिल्कुल, आपने देखा होगा मेरे यूट्यूब चैनल पर।